जोधपुर में किसान कौशल विकास केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय की ओर से बकरी पालन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रदेश भर से कई जिलों के पशुपालक भाग ले रहे हैं। किसान कौशल केंद्र की प्रभारी डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को बकरी पालन की नई तकनीक से अवगत कराना है, जिससे उन्हें लाभ हो सके। बकरी एक चलता फिरता फ्रिज माना गया है, क्योंकि बकरी का जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखा, अनेक प्रकार के रोग, जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में बकरी का दूध हमारे आसपास में मिलता नहीं था और हमारे यहाँ से दूध सिटियों में जाता था, जिनका मूल्य 200 रुपये प्रति केजी हुआ करता था। और अनेक प्रकार के रोग है, जिनके रोग प्रतिरोग क्षमता शरीर में क्षमता बढ़ाने के लिए भी ये हमारे बकरी का दूध उत्तम माना जाता है। किसानों की आय के लिए और किसानों की बढ़ोतरी के लिए, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा अपने ये विकास कौशल केंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए किसानों की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है हमें, यहाँ हम जैसे किसानों की आय भी बढ़ सकती है, उनको दूध की मात्रा भी मिल सकती है और किसान और अपनी प्रगति